अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कक्षा 10 अट 19 तोता और इंद्र एक संवाद काव्य है जिसे कहानी के रूप में लिखी गई पद्य रचना है। इसमें एक वन में इंद्र एक सूखे पेड़ से तोते को अटूट लगाव देखकर सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर देते हैं। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी जो है अति सुंदर अति अद्भुत सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशी में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लगकर होते थे अति हर्षित। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी सूखा निर्जीवित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तरु पर लगकर। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हितनिज मन में। कवि नरेंद्र मालवीय कविता के रूप में एक पुरानी कहानी सुनाते हैं जो बहुत सुंदर है अद्भुत और वास्तव में सभी कहानियों की रानी है। पवित्र भूमि काशी की महिमा चारों दिशाओं में फैली हुई थी। सभी देवी देवता और देवताओं के राजा इंद्र इसे देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन काशी के निकट के सुनसान वन से होकर देवराज इंद्र गुजर रहे थे। उन्होंने जंगल में एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ देखा। उस पेड़ के खोखले तने में एक बहुत सुंदर तोता रहता था। उस सूखे तने में उस तोते को देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस तोते से पूछा, तुम ये क्या मूर्खता कर रहे हो, तुम इस सूखे तने में अनजान और अनाड़ी बनकर रह रहे हो, क्या तुम्हें यह विशाल सुंदर वन में कोई हरा भरा पेड़ नहीं दिखाई देता, ऐसा कौन सा लाभ तुम्हें इस पेड़ पर रहकर मिल रहा है। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा सबसे मनहर, जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली, यही था इस वन की शोभा भाग्यवान अति गौरवशाली। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यह भी कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था, मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इसकी मोहमयी छाया में मैंने था नीज होश संभाला, यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। तोता बोलता है, महाराज यह पेड़ पहले बहुत सुंदर था, पूरे जंगल में केवल यह एकमात्र पेड़ था जो सबसे ज़्यादा मनोहर था। जितना यह सुंदर था उतना ही विशाल और मजबूत भी था। इस जंगल की यह शान थी कि यह बहुत भाग्यवान और गौरवशाली था। चिड़िया तोते मैना सभी पक्षियों को यह बहुत प्यारा था, सभी का यह बस पर यहाँ पर बसेरा था। हे महाराज आज पेड़ आपको कुरूप और सूखा दिखाई दे रहा है, पहले यह पेड़ बहुत आकर्षक था, मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, तब इसकी शोभा निराली थी, मुझे इस पेड़ की हर डाली जान से प्यारी है, इसके मन को खुश करने वाली छाया में ही मैंने होश संभाला है, इसने ही मुझको गाना मुस्काना और उड़ना सिखाया है। बचपन से लेकर अब तक मैं इसकी शीतल छाया में रहा हूँ और हर पल मैंने इसको अपने सुख दुख का सच्चा साथी पाया है। देखिए तोता उस वक्त उत्तर कहता देते हुए कहता है कि मैंने बचपन से अब तक इसको अपने सुख दुख का साथी पाया हुआ है। किंतु आह कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ, इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊँ। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। तोता दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि कुछ दिन पहले जंगल में एक शिकारी आया था, उसके जहर से भरे हुए बाण ने इस पेड़ पर भारी संकट ला दिया। जहर के प्रभाव से दिन प्रतिदिन
यह पेड़ सूखता जा रहा है। अब इस पेड़ के साथ साथ मेरा भी अंत होगा। इस बचपन के साथी को छोड़कर अब मैं भला कहाँ जा सकता हूँ। अगर मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं और जाता हूँ तो मुझे सुख संतोष और शांति प्राप्त नहीं होगी। अब मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं इसके साथ रहकर इसके दुख का साथी बन जाऊँ। मैं इसके अंतिम समय में चैन से इसके साथ ही मरना चाहता हूँ। तोते की ये सब बातें सुनकर इंद्रदेव आश्चर्यचकित रह गए। फिर तोते से बोले, वे यों तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इसी क्षण। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एव मस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया, शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। देखिए, फिर तोते से खुश हो जाते हैं इंद्रदेव और बोलते हैं कि तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा जीवन अब सफल हो गया, तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो, मैं इस पल ही उसे पूरा करूँगा। तोता बोला, हे इंद्रदेव, मेरे जीवन की यही अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा है, कि आप इस पेड़ को जो इस वन की शोभा है फिर से हरा भरा कर दे। इंद्रदेव ने कहा, ऐसा ही होगा, और पेड़ को नया जीवन मिल गया, फिर से नई शोभा और निराली सुंदरता के साथ वह लहराने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।